बहराइच जिले में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को मिहींपुरवा के तहसील परिसर एवं विकास खंड परिसर में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। नगर क्षेत्र में निकाली गई इस यात्रा का नेतृत्व विधायक बलहा सरोज सोनकर, ब्लॉक प्रमुख अभिषेक वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र मदेशिया तथा भाजपा नेता आलोक जिंदल ने संयुक्त रूप से किया। ये कलश यात्रा मिहींपुरवा बाजार के विभिन्न मार्गों में ढोल नगाड़े व देश के भक्ति गीतों के साथ होते हुए पुनः तहसील परिसर व ब्लॉक परिसर पहुंची। नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र मदेशिया एवं सभासदों की ओर से कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। तहसील परिसर में यात्रा का स्वागत उपजिलाधिकारी मिहींपुरवा संजय कुमार ने किया एवं ब्लॉक परिसर में यात्रा का स्वागत खंड विकास अधिकारी अजीत कुमार सिंह की ओर से किया गया। यात्रा के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलहा विधायक सरोज सोनकर रही तथा विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख अभिषेक वर्मा व भाजपा नेता आलोक जिंदल रहे। कार्यक्रम के अंत में ब्लॉक प्रमुख मिहींपुरवा अभिषेक वर्मा द्वारा देश की सुरक्षा व समृद्धि को लेकर शपथ दिलाई गई। 70 साल के बुजुर्गों ने जब अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तो आज हम हिंदुस्तान में सुख की सांस ले रहे थे और 71-65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, कारगिल की लड़ाई में बहुत से हमारे वो फोर्स के, वो आर्मी के, वो पैरामिलिट्री के हमारे जवान और ऑफिसरों ने अपनी आज़ादी दी थी, अपनी जान की आहुति दी थी, तब हमारा देश बचा हुआ है। और आज भी बॉर्डर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉर्डर पे हमारा कोई ना कोई भाई शहीद हो जाता है। कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो पीड़ा तो मैंने भी सही है, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है और वो लड़ाई लड़ने कारगिल में गए थे। 1 महीना उनकी खबर भी नहीं मिली थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।